हेलो गाइस, फाइनली एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें 26,146 समथिंग वैकेंसी आई है। लेकिन अभी वैकेंसी बढ़ने के काफी चांसेस है क्योंकि एसएससी जीडी में 85,000 समथिंग वैकेंसी खाली है। इसलिए अभी हमें वैकेंसी पे ध्यान नहीं देना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भरना है और हमें अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना है ताकि हम अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का डेट है यह 24 नवंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। लेकिन हमें इस डेट का वेट नहीं करना है क्योंकि एसएससी की जो साइट है वो लास्ट 8 दिनों में काफी स्लो हो जाती है, इसलिए हमें 31 दिसंबर के 8 दिन पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, इसमें जो पद है इस बार 26,146 पद है जो कि अभी इसके बढ़ने के काफी चांसेस है और इस बार हर बार की अपेक्षा जो है सीआईएसएफ में काफी अच्छी वैकेंसी आई है, 11,025 वैकेंसी है। अभी स्टेट वाइज और नक्सल डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट इस टाइप से वैकेंसी डिवाइड होने को है, लेकिन वो कुछ दिनों में एसएससी की ऑफिशियल साइट में डल जाएगा तब हम आपको उसका अपडेट दे देंगे। लेकिन अभी सिर्फ एसएससी की साइट में सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया है, लेकिन कुछ दिनों में उसका अपडेट दे दिया जाएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसकी रिटर्न एग्जाम की डेट जो है फरवरी मार्च 2023 में है, तो अभी हमारे पास 3 से 4 महीने का टाइम है जिसमें हम काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस वैकेंसी में जो है एज लिमिट जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 23 साल का दिया गया है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2001 से की जाएगी, यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 के बाद और 1 जनवरी 2006 से पहले है वो इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें एससी एसटी और ओबीसी में एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एससी एसटी कैटेगरी में एज में 5 साल का छूट दिया जाता है, यानी एससी एसटी के कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1996 के बाद का है वे भी इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ओबीसी कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 के बाद का है वे सभी ओबीसी के कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। यानी एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए एज लिमिट जो है 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2006 के बीच है, ऐसे ही ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट जो है 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2006 के बीच है। ठीक है, इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है, यानी जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है वे सभी इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें भी एससी एसटी ओबीसी और जो पहाड़ी इलाके वाले कैंडिडेट है उनके लिए इसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब हम इसका फिजिकल देख लेते हैं। तो फिजिकल में जो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग जो है 24 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। इस वैकेंसी में जो फिजिकल है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। यदि आप 23 मिनट 59 सेकंड में भी रनिंग पास करते हैं या फिर 18 मिनट में भी पास करते हैं तो दोनों बराबर ही है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ऐसे गर्ल्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। अब हम इसमें देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए सिलेबस, हमें किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। इसमें देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, ऐसे ही 40 नंबर का आता है मैथ्स। ऐसे ही रीजनिंग भी 20 नंबर क्वेश्चंस आते हैं, ये भी 40 नंबर का होता है। हिंदी के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं और जीके जीएस करेंट अफेयर्स संविधान इन सभी के क्वेश्चन करके 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 40-40 नंबर के हो जाते हैं। और ये 80 क्वेश्चंस हमें 60 मिनट में अटेम्प्ट करने होते हैं, 60 मिनट में अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमें 60 मिनट में 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, यानी कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चंस काफी आसान आते हैं। अब देखिए इसमें जो मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है वह है मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। इन तीनों सब्जेक्ट में आप 20 में 20 क्वेश्चंस सही कर सकते हैं और अपने स्कोर को काफी अच्छा बढ़ा सकते हैं। मेरा भी 2022 में जब 138 नंबर थे तो इन तीनों सब्जेक्ट की वजह से ही 138 नंबर थे। मेरे भी जीके में सिर्फ 21 नंबर आए थे, बाकी जो 138 नंबर है इन तीनों सब्जेक्ट की वजह से थे।
तो आपको भी इन तीनों सब्जेक्ट में फोकस करना है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। और ये जीके जीएस में जो है बहुत से सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं, साइंस से क्वेश्चन आ जाएंगे, करेंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, यानी जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट मिला करके 20 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स रीजनिंग और हिंदी में इन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा फोकस इन तीनों सब्जेक्ट में करना है, और 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें पर डे एक टेस्ट लगाना चाहिए। अभी 3 से 4 महीने का टाइम है, आप यदि पर डे एक टेस्ट लगाते हैं तो आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी और आसानी से आप 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए आप पर डे एक टेस्ट लगाएं, भले ही आप पढ़ाई को स्किप कर दे लेकिन टेस्ट कंपलसरी लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान आते हैं। सिर्फ इस वैकेंसी में टाइम मैनेजमेंट का खेल है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट 60 मिनट में जो है 80 क्वेश्चन देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, ठीक है। तो बने रहे चैनल पर, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।